कहते हैं संत और गुरु किसी एक के नहीं बल्कि सबके होते हैं। उनके लिए सभी बराबर हैं। वो न किसी व्यक्ति विशेष में अंतर करते हैं और ना ही सजीव और निर्जीव में। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। इस चुनावी साल में संत महात्माओं के भी खूब बयान इन दिनों वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक बयान वायरल हो रहा है स्वामी राम भद्राचार्य का। स्वामी राम भद्राचार्य अपने इस बयान में शत प्रतिशत मतदान करने की बात कहते सुनाई दिए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है, तो यहाँ नई बात यह है कि अपने इस बयान के साथ स्वामी जी एक और बयान दे रहे हैं, और वो ये कि हम आपको बताएं, उससे बेहतर आप स्वामी जी के मुख से ही सुन लीजिए। 17 नवंबर का लोक पर्व, लोकतंत्र का महापर्व, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने मत का 100% प्रयोग कीजिए। मतदान अवश्य कीजिए, पर यह ध्यान रखिए कि जाके प्रिय न राम वैदेही, ताकह वोट कदापि देही। ये पहला मौका नहीं है जब स्वामी जी का इस तरह का कोई बयान वायरल हुआ हो। अभी हाल ही के दिनों में स्वामी जी का एक ऐसा ही बयान वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते सुनाई दिए थे कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे, बल्कि यहाँ सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। हमने आपके लिए राम भद्राचार्य का वो बयान भी खोजा, सुनिए। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे, तो नाम कहा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहां दो लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। कुल मिलाकर जहां अब वोटिंग को मात्र 3 दिन बचे हैं, ऐसे में धर्म गुरुओं के जरिए की जा रही इस तरह की बयानबाजी चुनाव के परिणामों को कितना प्रभावित करती है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा।